हेलो दोस्तों, बेसाओ मेरे चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे रिएक्ट करता है मंडे मार्केट में। ये वायरस के चलते मार्केट में इतना गिरावट आ गया कि वो बाउंस बैक देना पड़ा। फ्राइडे जो मार्केट में बंद हुआ था वो बाउंस बैक मार्केट था। इसी बाउंस बैक में निफ्टी फिफ्टी में 481 का पॉजिटिव में बंद हुआ था। ये देखिए, ये निफ्टी फिफ्टी का वनडे कैंडल चार्ट। यहाँ पर देखिए, एक शार्प डोजी कैंडल के बाद एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना हुआ है, इनगल्फिंग पैटर्न। इसका मतलब ये रिवर्स पैटर्न का बता रहा है, किंतु रिवर्स पैटर्न तब होगा जब इंडिया में, वर्ल्ड में कुछ गुड न्यूज आ जाए। तो वर्ल्ड में अभी गुड न्यूज़ नहीं है, तो नेगेटिव न्यूज। तो हम ये मान के चलते हैं वर्ल्ड मार्केट में जैसे रिएक्ट करेगा उससे हमारा मार्केट में असर पड़ेगा। पहले देखते हैं वर्ल्ड मार्केट कैसा है। वर्ल्ड मार्केट देखने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल में ये देखिए, ग्लोबल इंडेक्स लिखा है। ग्लोबल इंडेक्स में हम पहले देखेंगे एसजेक्स निफ्टी, जो सिंगापुर मार्केट बोलते हैं। ये सिंगापुर मार्केट देखिए बंद हुआ है 8178, जो हमारा मार्केट से 500 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। जिसकी वजह से हमको ये तकलीफ हो गई कि हमारा मार्केट गैप डाउन में खुल सकते हैं, गैप डाउन खुल के और अप भी रिवर्स कर सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका मार्केट भी देखिए नेगेटिव में बंद हुआ है। तो ये पूरा मार्केट तब पता लगेगा जब मंडे 6 PM खुल जाएगा। तो चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मेनली आपको सपोर्ट का ध्यान देना पड़ेगा। 8000 का मेन सपोर्ट हो गया निफ्टी फिफ्टी का। RSI देखिए बढ़िया रिवर्स टर्न मारा था, किंतु यही है गैप डाउन में खुलेगा फिर एक रिवर्स मार सकता है। तो निफ्टी फिफ्टी में आपको 8000 का सपोर्ट लेवल, और 8000 टूटता है तो वो नेगेटिव और रिसर करता है, 7500 की तरफ आ सकता है। अगर 8000 जब तक नहीं टूटता है तो 8500 तक वो बुलिश रहेगा। यह रहा निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी बैंक में सेम, निफ्टी बैंक जैसे फ्राइडे को क्लोज हुआ था पॉजिटिव में, 234 पॉजिटिव में। बैंकिंग सेक्टर में कुछ तकलीफ हुआ है, तो इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर में निफ्टी बैंक में थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा नहीं आया। तो आप आभार कर सकते हैं निफ्टी बैंक के लिए कि निफ्टी बैंक पॉजिटिव या नहीं आया, यानी गैप डाउन का फिर 1500 पॉइंट गैप डाउन में खोल सकते हैं। तो आपको यह ध्यान देना है, जो लो टूटा है 18500 वो होगा आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा, और 19500 तक आपका ट्रेड कर सकते हैं। अगर 18500 तोड़ता है तो 17000 अभी आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का है। तो हम स्टॉक के बारे में तब बात करेंगे जब मार्केट में कुछ पॉजिटिव साइन है। अभी होल्डिंग के लिए कर सकते हैं स्टॉक में, कोई भी स्टॉक, NMDC, टाटा स्टील, गेल, जैसे जैसे स्टॉक को आप ले सकते हैं। येस बैंक का एक गुड न्यूज़ था, येस बैंक में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी वर्ल्ड मार्केट में अभी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। वर्ल्ड मार्केट का नेगेटिव जब तक ठंडा हो जाए तब तक फॉरेन इन्वेस्टर इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब आप येस बैंक को होल्ड नहीं करेंगे। अभी तक उसको इंट्राडे कर सकते हैं। तो ये देखेंगे मंडे मार्केट कैसा रहता है। थैंक यू, बाय बाय।